फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे इडली डोसा के साथ खाने वाली साउथ इंडियन चटनी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी और लजीज होती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम स्टार्ट करते हैं साउथ इंडियन चटनी बनाना। इडली डोसा के साथ खाने वाली साउथ इंडियन चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक प्याज ले लेंगे, उसको कट कर लेंगे लंबे लंबे टुकड़ों में। दो टमाटर, थोड़ा सा राई ले लेंगे, थोड़ा सा हींग ले लेंगे, 6 से 7 लहसुन की कलियां ले लेंगे, ये उड़द दाल थोड़ा सा ले लेंगे, और ये थोड़ा सा चना दाल, और ये सूखा मिर्च ले लेंगे 4 पीस, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लेंगे। अभी हमने पैन को गरम करके 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें सूखा मिर्च डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, उड़द और चना दाल डाल देंगे। हम गैस की फ्लेम को लो करके इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। देखिए, दाल हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉय डाल देंगे, हमने 1 टीस्पून सॉय डाल दिया है। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून से अराउंड इमली का पल्प डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा राई डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तड़के को चटनी में डाल देंगे। ये देखिए, हमने तड़के को चटनी के ऊपर डाल दिया है। अब ये हमारा साउथ इंडियन चटनी रेडी हो चुका है, जिसे हम इडली डोसे और अपम सभी के साथ खा सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और लजीज चटनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ स्वीट डे।